नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं निद्रा की। हम सब चैन की नींद सोना चाहते हैं और जितने भी तामझाम जीवन में जोड़ करके रखते हैं वो चैन की नींद सोने के लिए जोड़ते हैं, पर फिर भी नींद नहीं आती है, चैन की नींद नहीं आती है। ख़ासतौर पर इस समय में जब आप घर पर हैं, आप कन्फाइनमेंट में हैं, आपकी दिनचर्या बिगड़ चुकी है और आप अनुभव कर रहे हैं कि ना तो समय पर सोया जा रहा है, ना समय पर हम जाग पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस अवधि में इंसोमनिया यानी अनिद्रा की स्थिति को भी अनुभव कर रहे हैं। यानी हम बिस्तर पर लेट तो जाते हैं पर नींद ही नहीं आती। बहुत देर तक हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं पर हमें नींद नहीं आती। और इससे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हम सो भी जाते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और कच्ची नींद आती है। नींद से जुड़ी कोई भी समस्या हो, समाधान है योग। योग जीवन की हर समस्या का समाधान है, चाहे वो शारीरिक समस्या है या मानसिक। आप कैसे पाएं चैन की नींद, ये आपको मैं बताऊंगी आज। आपको नियमित रूप से करनी है कुछ छोटे छोटे से अभ्यास, और जो अभ्यास हम आपको बताने जा रहे हैं वो अभ्यास आपको रात्रि में सोने से पहले करने हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको चैन की नींद आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको डीप स्लीप आए और समय से नींद आए, तो कुछ रूल्स बनाइए। सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने बजे ही सोना है। लेट्स से यू फिक्स अ टाइम 10 o'clock, मुझे 10 बजे सो जाना है। तो अगर आपको 10 बजे सोना है तो 9 बजे से अपने आप को स्क्रीन लेस कर दीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम मोबाइल हाथ में लेकर या टेलीविज़न देखते देखते जब बिस्तर पर जाते हैं तो वही चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर रहता है और हम उन्हीं विचारों के साथ लेट जाते हैं। एक घंटा पहले अपने आप को स्क्रीन लेस कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप सोने वाले हों, यानी जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं, दैट शुड बी द लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर ब्रेन। तो जब आप सोने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सोने से पहले, इन क्रियाओं के बाद आप किसी से बात नहीं करेंगे, मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब आप सोने वाले हैं तो बिस्तर के साइड में बैठ करके आपको करना है प्रणव उच्चारण, और बिस्तर पर लेट करके करना है भ्रामरी प्राणायाम, और उसके तुरंत बाद आप सो जाएंगे। जब आप लेटेंगे तो हो सकता है शुरू में भी आपको नींद ना आए, ऐसे में आप मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या जिस भी धर्म, जिस भी पंथ को आप मानते हैं उसका कोई भी मंत्र ले लीजिए और मंत्र का जाप करते रहें, धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। आइए जानते हैं कि कैसे करना है हमें प्रणव उच्चारण और कैसे करना है भ्रामरी प्राणायाम। रात्रि में सोने से पहले अपने बिस्तर के समीप ही ज़मीन पर बैठ करके हाथों को ज्ञान मुद्रा में लें, आंखें बंद, चेहरा शांत, पूरा गहरा श्वास भरना। इस प्रकार से 13 बार 13 times हम प्रणव उच्चारण करेंगे, फिर से गहरा श्वास भरना और फिर से उच्चारण करना। 13 बार तक इसको रिपीट करेंगे। प्रणव उच्चारण करने के बाद आप अपने बिस्तर पर कमर के बल लेट जाएंगे और कमर के बल लेट करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। यूं तो प्राणायाम को लेट करके करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन स्पेशली इंसोमनिया के केस में आप इसको लेट करके करेंगे। पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर लेंगे, गहरा श्वास लेना और श्वास छोड़ते समय नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, छोड़ते समय भ्रमर गुंजन भंवरे जैसी आवाज़ करना। पूरा एक्सहेल करने के बाद कानों को खोल देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। ये ध्यान रखें कि इसके बाद आपको सो जाना है। आप इसका अभ्यास 7 से 8 बार तक कर सकते हैं। क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ में ये ध्यान रखें कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम समय से सोएंगे तभी हम समय से जगेंगे। लेट्स डू वाइस वर्सा। एक बार आप समय से जगना आरंभ कर दीजिए, 2 दिन 3 दिन टाइमली सुबह उठें, लेट्स से 6 बजे या 5 बजे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नींद भी टाइम से आने लगेगी। चिंता न करके चिंतन करें। योग का बहुत बड़ा
अंग है ईश्वर प्रणिधान, लीविंग एवरीथिंग टू द विल ऑफ गॉड। ईश्वर है यत करोति शोभनम करोति। इसका अर्थ है कि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। इस भाव के साथ आप बिस्तर पर जाएं और एक जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में जब लेटता है तो वो सब चिंताओं से दूर हो जाता है। बस ऐसे ही जब आप सोने जाएं तो मन में ये भाव रखें कि आप परमात्मा की गोद में लेटे हुए हैं, आप सुरक्षित हैं। इस भाव के साथ आपको निश्चित रूप से अच्छी नींद आएगी। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।